इंदौर खंडवा रोड स्थित भारत पेट्रोलियम पर गुरुवार रात हथियारबंद बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया। सिमरोल थाना प्रभारी राम नारायण भदौरिया ने बताया कि गुरुवार देर रात थाना क्षेत्र के 9 मील स्थित भारत पेट्रोलियम पंप पर हथियारबंद बदमाशों ने कर्मचारी के साथ मारपीट कर पैसों से भरा बैग छीन लिया। इसके साथ ही दूसरे कर्मचारी को धमकाने के लिए पंप पर फायर भी किया। बताया जा रहा है कि आरोपियों ने कर्मचारियों से 20,000 रुपए छीन कर ले गए। पूरी घटना पंप पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। इसमें तीन आरोपी बाइक पर पेट्रोल पंप पर पहुंचते हैं। आते ही उन्होंने कर्मचारियों से मारपीट शुरू कर दी और धमकाने के लिए फायर किया और पैसों से भरा बैग छीन लिया। पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। नमस्कार रीवा, मैं हूं भानु पंडित। और मैं हूं अनीता भट्ट। और हमारे यहाँ आपके शहर रीवा 11 दिसंबर 2022 को कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम में एक सुरों की महफिल सजाने, जिसका नाम है उड़ान शाम में गजल, एक शाम सूफी संगीत के नाम में अपनी प्रस्तुति देने के लिए। तो हम चाहते हैं कि आप सभी आए वहाँ पे इस संगीत में शाम का हिस्सा बनने के लिए। और हम दोनों स्पेशली थैंक्स बोलना चाहते हैं अभ्युदय उपकार फाउंडेशन की तरफ से अनामिका शुक्ला जी का, जिन्होंने हमें रीवा शहर आमंत्रित किया। So, see you all there.